प्रदेश हलचल। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल, में हूँ आपके साथ महेश जी। हम खड़े नीमच सिंगोली मुख्य मार्ग पर, मोरवन जो गांव है यहाँ की तस्वीरें। यहाँ पर मुख्य मार्ग पर बस स्टैंड पर जाम लगा हुआ है, दोनों तरफ वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पर जो बंजारा समाज के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी एकजुट हैं। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। आखिर क्या कारण है, जहाँ सरकार एक तरफ विकास के दावे कर रही है, वहीं इन ग्रामीणों को आखिर क्यों मुख्य मार्ग पर चक्का जाम करना पड़ा है? प्रशासन की टीम भी तैनात है, ग्रामीण हमारे साथ में। भैया मुझे बताइए, यहाँ किस बात को लेकर ग्रामीणों आक्रोशित, क्यों जाम करना पड़ा? हमने 21 तारीख को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री नाम से भी दिया था, उनको अवगत करवाया था कि स्कूल जाने वाले बच्चे बच्ची को स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल की बसें नहीं आ पा रही है, गर्भवती महिलाओं को गांव में नहीं ला सकते हैं। इस बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया था और सरकार और प्रशासन को अवगत करवाया था कि 25 तारीख तक हमारा 24 तारीख तक मटर गिट्टी या चूरी डला के मरम्मत की जाए, अगर नहीं की तो 25 तारीख को समय 10 बजे हम घोर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। भैया मुझे बताइए, आप कहाँ से आए हैं, समाज को लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है, क्या मांग है आप लोगों की, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है? अब मैं नीमच श्रीखेड़ा गांव का रहने वाला हूँ, नीमच तहसील से। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं। कल ही हमें बताया गया था इस चीज़ के स्थिति के बारे में, और पिछले 5-7 रोजों से कंटिन्यू शासन प्रशासन को पिछले वर्षों भी इन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन जहाँ तक हमारी निगाह में केवल शासन इस वजह से बंजारा होने की वजह से ही मुझे लगता है कि वहाँ विकास नहीं पहुँच पा रहा है। यदि बंजारा समाज का होना गुनाह है तो ये गुनाह हम 1000 बार करेंगे और बंजारा समाज के आंदोलन की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। भविष्य जो बच्चे हैं हमारे, वो आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो माता बहन हैं वो डिलीवरी होती हैं वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रही हैं, यदि कोई हमारे बड़े बुजुर्ग को देहांत हो जाता है तो हर चीज़ सही वक्त पे हम बाहर नहीं लेके आ पाते हैं। और ये जो आंदोलन है ये केवल और केवल सड़क को लेकर हो रहा है, यदि शासन प्रशासन पिछले कई वर्षों से सड़क नहीं बना पा रही हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि, जो मुझे कहना नहीं चाहिए, आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेजा जो हैं कि कैबिनेट मंत्री जो हैं कि विधायक हैं, वो पिछले 10 दिनों से CM साहब की आवागनी के लिए इधर उधर गांव में भाषण वगैरह करते फिर रहे हैं। उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी, आप वोट लेने के लिए आ जाते हो लेकिन आपके 5-7 गांव के जो सड़क से वंचित हैं उन लोगों की सुध आप कब लोगे? मेरी ओम प्रकाश जी सकलेजा जी से, कैबिनेट मंत्री जी से भी विशेष गुजारिश है, एक बार 30 तारीख के पहले बंजारा समाज के लोगों की आप सुध ले लें, नहीं तो 29 तारीख 30 तारीख के दिन जैसे CM साहब आएंगे उसी दिन से बंजारा समाज वापस सड़कों पर उतरेगा, जिसके जिम्मेदार आदरणीय ओम प्रकाश जी सकलेजा साहब रहेंगे और ये प्रशासन रहेगा। मुझे बताइए प्रदेश अध्यक्ष जी, आप भी यहाँ आए हैं, यहाँ लगातार समस्या देखी जा रही है, लोगों ने पहले भी ज्ञापन दिया, क्या सरकार एक तरफ तो विकास के दावे कर रही है और इन गाँव में आप जाते हैं तो हकीकत क्या निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल, हमारा बंजारा समाज बिल्कुल पिछड़े हुए हैं और हमारे जो 21 तारीख को विज्ञापन दिए कलेक्टर महोदय से निवेदन किए कि उन्होंने 4 दिन में हमारी समस्या हल हो जाएगी, तो 4 दिन में समस्या हल नहीं हुई, नहीं तो इससे हम बड़ा आंदोलन करेंगे। आप कहाँ से आए भैया? मैं धाणी से आया हूँ। क्या समस्या क्या लग रही है यहाँ पर? सर कीचड़ की बहुत समस्या है, कीचड़ से मुक्ति नहीं मिल रही है। क्या पंचायत के जिम्मेदार शासन ध्यान नहीं देता इस तरफ? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्या करेगा बंजारा समाज? अब देखते हैं 29 तारीख बाद में हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। आप भी कहाँ से आए भैया? हम यहीं से हैं। यहीं से क्या समस्या को लेकर ज्ञापन कर रहे हैं आप? हम भी यही रोड, रोड की समस्या को लेकर। कैसे परेशान है बच्चे? बच्चे सर ये जो निकलने में कीचड़ के हिसाब से बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, परेशानी होती, परेशानी होती। आप कहाँ से आए बाबा जी? बाबू भाई आप भी चूंकि काफी सक्रिय हैं, बंजारा समाज के बीच लगातार जाते हैं, युवा नेता भी कहे जाते हैं, क्या समस्या आ रही है, क्या सरकार सुनवाई नहीं कर रही, क्या स्थिति है? भैया जी ये गांव बहुत परेशान है, 10-15 साल हो गए, कीचड़ की बहुत समस्या है वहाँ पे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई डिलीवरी केस है, कोई बीमार है, कोई डॉक्टर लोग, कोई भी एम्बुलेंस जाने के लिए वहाँ कोई तैयार नहीं, क्यों कीचड़ के अंदर गाड़ी फंस जाती है, वहाँ पे जाने का रास्ता ही नहीं ना, 3-4 किलोमीटर आ लेते हैं, ये पानी तो इतना भयंकर आ रहा है, आदमी निकले तो कहीं से निकले, पैदल लोग जा रहे हैं, दवा खाने में आ रहे हैं, तो बहुत भारी समस्या है। अभी भी आप लोगों ने आंदोलन करा तो कोई सुनवाई के लिए आया यहाँ पे? नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। क्या आगामी रूपरेखा है क्या आपकी? आगामी रूपरेखा सब बंजारा समाज मीटिंग करके कुछ जिले लेवल पर, कुछ जिले लेवल पर आंदोलन कर। जैसा कि आपने देखा इन्होंने आज यहाँ पर चक्का जाम करा था और इनका कहना है कि अगर 29 तारीख तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में बंजारा समाज जो आंदोलन करेगा और कहीं के सरकार के खिलाफ और जावत विधानसभा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सक्सेना के खिलाफ बंजारा समाज जिनों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। देखना यह होगा सरकार तो विकास के दावे करिए, क्या इन ग्रामीणों की सुध ली जाएगी या फिर इन्हें अब आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी? गाँव का जो मार्ग है वो कच्चा बना हुआ है, उस पर कीचड़ हो रहे हैं, उसमें कल से ही चूरी डालने का काम शुरू हो गया है और अभी तो तात्कालिक रूप से चूरी और मिट्टी डाल के ही उसको चालू कर पाएंगे, बाकी संबंधित विभागों को कलेक्टर साहब के माध्यम से निर्देशित किया जाएगा कि उस पर रोड वोड की सैंक्शन लेके भविष्य में उसको।